पहला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है एस्बेस्टॉस, ऑप्शन सी है टैल्क, ऑप्शन डी है एस्टिएटाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्बेस्टॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है अवीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी है अजित कुमार हलधर ने, ऑप्शन डी है अमिता तेरीगिल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवीन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1949, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन ए है जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है यौगिक ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन डी यौगिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ऑप्शन सी मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का मानसेहरा तथा सहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन सी अरमाइक लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऑप्शन ए जूट उद्योग में, ऑप्शन बी है लौह इस्पात उद्योग में, ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन डी है चीनी उद्योग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है बूंदी शैली, ऑप्शन बी है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी है चावंड शैली, ऑप्शन डी है जयपुर शैली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चावंड शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? ऑप्शन ए है कावेरी बेसिन, ऑप्शन बी दिया है कच्छ बेसिन, ऑप्शन सी है असोम क्षेत्र, ऑप्शन डी है मुंबई अपतट क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई अपतट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन बी है रणजोत और नागटिब्बा के बीच, ऑप्शन सी है लेसेर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, ऑप्शन डी है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए लद्दाख और पंजाब के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए है पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन बी है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है छतों पर, ऑप्शन डी है पहाड़ों की चोटी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन ए दिया है उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी है चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी है अवकेंद्र बल के समान होता है, ऑप्शन डी है सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवकेंद्र बल के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी दिया है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है अपरिमित हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है, यानी कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रहिका, ऑप्शन सी है विस्फोटी तारा और ऑप्शन डी है ब्लैक होल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विस्फोटी तारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? ऑप्शन ए है धरपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो दिया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ऑप्शन ए होमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मणिलवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी दिया है वात रंध्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए अवट अतिक्रियता हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑप्शन बी है घेंघा, ऑप्शन सी है मिजेट, ऑप्शन डी दिया है मधुमेह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घेंघा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए मांस और अंडे, ऑप्शन बी कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी है सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी है दूध और पत्तेदार सब्जियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 22 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन के पाचन में सहायक, ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में, ऑप्शन सी है फाइबर के पाचन में, ऑप्शन डी है वसा के पाचन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? ऑप्शन ए जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, ऑप्शन बी जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, ऑप्शन सी जब निषेचन बाह्य होता और विकास आंतरिक होता है, ऑप्शन डी है जब निषेचन आंतरिक होता और
विकास बाय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब निषेचन बाय होता है और विकास आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया, यानी कि राज हड़पनीत किसने आरंभ किया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड बिरजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी है जमनालाल बजाज ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है, ऑप्शन बी ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है, ऑप्शन सी है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, ऑप्शन डी है विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंध्र प्रदेश की तुमालापल्ली किस सार्वजनिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया। ऑप्शन ए यूरेनियम निक्षेप, ऑप्शन बी टंगस्टन निक्षेप, ऑप्शन सी कोयला निक्षेप, ऑप्शन डी दिया है बॉक्साइड आयत निक्षेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम निक्षेप। आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ली जिले में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित धारावाहिक था। ऑप्शन ए हम लोग, ऑप्शन बी बुनियाद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी शांति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हम लोग, दूरदर्शन द्वारा प्रथम प्रायोजित धारावाहिक हम लोग है। ऑप्शन ए सही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म से, ऑप्शन डी है शैव धर्म से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी दिया है गुलमर्ग में, ऑप्शन डी है लद्दाख में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है सुशील कुमार घोष, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आमुख, ऑप्शन बी हस्तगन, ऑप्शन सी भंग करना, ऑप्शन डी बर्खास्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्खास्त करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ऑप्शन डी है पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ऑप्शन ए है कनेरा के मैदान, ऑप्शन बी है दक्कन के पठार, ऑप्शन सी है कोरोमंडल का मैदान, ऑप्शन डी है गंगा के मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्कन के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कनारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है परमार शासकों ने, ऑप्शन बी है चेदी वंश के शासकों ने, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट शासकों ने, ऑप्शन डी है चंदेल शासकों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंदेल शासकों ने खजुराहो के कनारिया महादेव का मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी है वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा से संबंधित कर्म का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है भागवत पुराण से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी विष्णु पुराण से, ऑप्शन डी अग्नि पुराण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, झूम है एक, ऑप्शन ए है लोक नृत्य है, ऑप्शन बी है नदी घाटी का नाम है, ऑप्शन सी है जनजाति है, ऑप्शन डी है कृषि का एक तरीका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोवा की स्वीकृत भाषा राजभाषा है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 43 है, खरीफ की फसल काटी जाती है? ऑप्शन ए है मार्च में, ऑप्शन बी है दिसंबर में, ऑप्शन सी है नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी है जून के प्रारंभ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी उड़ीसा में।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म का को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्वीता प्रदान की? ऑप्शन ए है गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव जी ने, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सुषुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन डी निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिखों की लिपि है ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोनालिसा क्या है? ऑप्शन ए एक चित्र है, ऑप्शन बी गायिका है, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गुप्तचर है, ऑप्शन डी उपन्यास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक चित्र है, यह एक पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की दलिया कहा जाता है? ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरी प्रदेश, ऑप्शन सी है शीतोष्ण घास प्रदेश, ऑप्शन डी है सवाना घास प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।